नमस्कार, आज हम और आप बातचीत करेंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान हम कहां कहां से स्टडी मटेरियल, कंटेंट, सोर्स, पढ़ाई लिखाई कहां से करें। तो इसके लिए आइए एक एक करके देखते और समझते हैं कि हमें क्या क्या सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करना है, उसको हम कितने मेजर सेगमेंट्स में बांट करके पढ़ाई करेंगे, फिर उन सेगमेंट्स के लिए हम क्या स्टडी करेंगे, कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। तो हम सिविल सर्विसेज की स्टडी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो क्या होंगे, हमारी जो पठन सामग्री है सोर्सेज, उनको हम तीन हिस्सों में बांटेंगे। बुक्स यानी कि प्रिंटेड मटेरियल, दूसरा इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, और तीसरा नोट्स। इन्हें हम किताबें कौन कौन सी कहां कहां से पढ़ें जो कि प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध हो, छपी हुई हो, प्रकाशित सामग्री, या फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स कहां कहां से हम रेफर करें, और नोट्स खुद के या दूसरों के, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मंगाकर या अपने किसी सीनियर के नोट्स, दोनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर, या कैसे नोट्स बनाएं। तो अब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अगर सेगमेंट वाइज बांट कर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मैं जनरल स्टडीज के सिलेबस के लिए बता रहा हूं आप, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एंड लास्ट करंट अफेयर्स। इसी के साथ साथ सिविल सर्विसेज में फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एरियाज हैं जो हमें पढ़ने हैं, यानी इतिहास, भूगोल, संविधान और राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, अभिनूतन मामले, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो हिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप NCERT क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सोशल साइंसेज की किताबें, वो स्लाइड्स में आपको दिखाया जाएगा कि NCERT के लिए क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की कौन कौन सी किताबें पढ़ें, जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरह से हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हमको अगर जनरल स्टडीज के सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना है तो हम सोशल एंड मटेरियल कल्चर ऑफ इंडिया बाय रामशरण शर्मा इंग्लिश मीडियम में, या जैसे एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैकमिलन पब्लिकेशन की है, उसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, दैट इज सफिशियंट अगर आपने पहले से NCERT पढ़ा हुआ है तो आपको तीनों सेगमेंट्स एक ही किताब से मिल जाएंगे, एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैकमिलन पब्लिकेशन, इंग्लिश मीडियम। उसको थ्री ऑथर बुक भी कहते हैं क्योंकि उसको तीन एक्सपर्ट्स ने मिलकर लिखा है, दत्त, रे चौधरी एंड मजुमदार।
तो दत्त रे चौधरी एंड मजूमदार की एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैकमिलन पब्लिकेशंस, 3 ऑथर बुक, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, तीनों एरियाज कवर कर देगी। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया था हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय HMKN, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की किताबें हैं, जिसमें प्राचीन भारत झा एवं श्रीमाली, मध्यकालीन भारत हरिश्चंद्र वर्मा, आधुनिक भारत श्री आर.एल. शुक्ला। ज्योग्राफी के लिए ICSE बोर्ड की सर्टिफिकेट ज्योग्राफी या NCERT का जो मैंने आपको बताया था क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पर्याप्त है। उसके साथ साथ आपको जो पढ़ना है वो है एटलस मानचित्र, और वो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स स्पेशल एटलस है या बार्थोलोमियोस का एटलस है, वो आप अपनी पसंद से, बाजार में बहुत सारे एटलस मौजूद हैं, वो आप ले सकते हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी काम है जो आपको पढ़ना है NCERT के अलावा और सर्टिफिकेट ज्योग्राफी के अलावा। पॉलिटी के लिए हिंदी माध्यम में ये किताबें उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में भी हैं, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ सकते हैं। सुभाष कश्यप की आर पार्लियामेंट एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संसद और हमारा संविधान, और DD बासु की आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा भारतीय संविधान। तो DD बासु और सुभाष कश्यप, इन दो की किताबें आप पढ़ें। इसके अलावा न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह से चीज़ों को कवर करना होगा। इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताया दत्त एंड सुंदरम या उमा कपिला, इनमें से कोई भी एक किताब देखें, ये भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर और द हिंदू में जो आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ख़ास तौर से छपते हैं उन पर ध्यान दें। एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए भी आपको वेरियस न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन्स, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए चीज़ों पर ध्यान देना होगा। करंट अफेयर्स के लिए और फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लिए कोई एक बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में जहाँ पर ताज़ा हाल में जो घटनाएँ हो रही हैं वहाँ से सवाल आते हैं। जैसे आजकल के दौर की अगर बात करें तो इंडो नेपाल रिलेशनशिप है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ है, क्वाड है जो कि इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, तो जो करंट में इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज चल रहे होते हैं उनसे ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो हमें उनको फॉलो अप करना चाहिए। तो वो भी हमें न्यूज़पेपर और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेट से मिलेंगे। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको देखनी चाहिए उसकी एक लिस्ट, वो भी इसकी स्लाइड में अभी आपको अवेलेबल कराता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, DARPG, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, नीति कमीशन, इसके अलावा IDSA, IDSA, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ये आपका बहुत कुछ फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर देगा। इनसाइट INSIGHT, इन फोकस INFOCUS, ये बहुत सारे एरियाज आपके करंट अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी के कवर करेंगे। एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल इश्यूज को करेंगे। PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इससे बहुत सारा आपका करंट अफेयर्स अपने आप कवर हो जाएगा। कुछ मैंने आपको बताया था इसके अलावा जो इंटरनेशनल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि UNO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, WTO, इनकी भी वेबसाइट्स को आपको बीच बीच में विजिट करना चाहिए। या फिर मैंने आपको बताया था इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल सर्वे रिपोर्ट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सर्वे, पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे। तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आप को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से कितना देखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो क्वालिटी ऑफ स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ स्टडी।
और इसलिए आपका सारा ध्यान ये देखना है आपको कि सिविल सर्विसेज का जो मौजूदा ट्रेंड है एग्ज़ाम में, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और कैसे आपको उसको फॉलोअप करना है। और इसीलिए आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे आप अपने सारे स्टडी मटेरियल, बुक्स और प्रिंटेड मटेरियल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स, या दूसरे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, या आपके किसी सीनियर या सक्सेसफुल कैंडिडेट के नोट्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बावजूद अपने नोट्स खुद अपनी हैंड राइटिंग में तैयार करें। और उसका तरीका ये होना चाहिए कि आप एक लूज पेजेस की फोल्डर फाइल बनाएं, बजाय इसके कि हम एक हार्ड कॉपी रजिस्टर बना लें, आप लूज पेजेस का एक फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर में आप नाम रख दें, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इस तरीके से आपके 9 से 10 फोल्डर्स आपके पास होने चाहिए और उनको अपने एक फोल्डर बना करके, वो गत्ते का हो, पॉलीथीन का हो, प्लास्टिक का हो, उसमें आप पेज नंबर सीरियल वाइज डालते जाएं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और अपने नोट्स बना करके जिसमें आप बुक्स और मटेरियल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट या दूसरे नोट से मिलाकर खुद के नोट्स आप तैयार करें। और इस तरीके से आपके 10 फोल्डर तैयार हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, करंट, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब आपको ये नोट्स तैयार करने के बाद अपनी हैंड राइटिंग में जो आपने किए हैं, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ एक्सक्लेमेशन है, ये आप जानते हैं, कहीं पर आपने एब्रिविएशन लिखा है, कहीं पर आपने शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं, कुछ आपने अपने फॉर्मूले रटने के लिए ईजाद किए हैं जिसमें आपने कुछ इस तरीके की चीज़ें कि एक लंबा वर्ड है या कोई टर्मिनोलॉजी है उसको याद कर लिया है, ये सब आपने लिखा हुआ। अब जब कभी भविष्य में उससे जुड़ा हुआ कोई करंट अफेयर, कोई डेवलपमेंट, कोई नई चीज़ हो रही है, तो अपने उस फोल्डर में जाएं, उस पेज नंबर पर पहुँचें जहाँ पर वो टॉपिक आपने लिखा है, और वहाँ पर जो भी पेज नंबर है, मान लें पेज नंबर 23 पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने पढ़ा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, और आपने उसका एक फॉलोअप एक्शन, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में क्या है, ये आपने इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नोट्स बनाए हुए हैं। और जब तक आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके महीना, दो महीना, तीन महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई और जजमेंट आता है, या पार्लियामेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई कानून बनाने के लिए बिल पेश करती है पार्लियामेंट में, कोई और डेवलपमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ होता है, तो आपने क्या किया, जहाँ पर आपने इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले फोल्डर में पेज नंबर 23 पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ था, अब आपने अपना एक और पेज 23A, 23B, जितने भी पेजेस की ज़रूरत हो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े हुए, वहाँ लिख दिए, तो आप अपडेट करते रहेंगे। और अपने नोट्स में आप मार्जिन, हाशिया ज़रूर छोड़ें, ताकि अगर कभी फ्यूचर में आपको वहाँ पर कोई चीज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है, वैल्यू एडिशन करना है, तो अपने हाशिए में ही आप कमेंट्स, रिमार्क्स लिख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। यही नोट्स आपको एग्जामिनेशन के एक दो महीना पहले रिवाइज करने हैं, और कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि तब तक आपके पेपर सेटअप किए जा चुके हैं, जो कुछ करंट अफेयर्स है वो आपके एग्ज़ाम के एक डेढ़ दो महीना पहले तक का डेवलपमेंट, एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसका पेपर हो चुका है, तो कम से कम एग्ज़ाम के एक महीना पहले से, डेढ़ महीना पहले से प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास रिटन नोट्स, सेल्फ रिटन नोट्स, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, उन्हीं 8-10 फोल्डर्स को बार बार दोहराएं, और पिछले सालों के प्रीलिम्स और मेंस जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करें, इवैल्यूएट करें, लिखें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, अपने टीचर्स, अपने फैकल्टी मेंबर्स के टच में रहें, उनको हर दिन कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स मेन एग्ज़ाम के लिए लिखकर चेक कराते रहें, और प्रीलिम्स के लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप
टेस्ट होते हैं उनको देने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना करिए। अब इतने सारे सोर्सेज हैं, इतना सारा स्टडी मटेरियल है, इतना कुछ पढ़ना है जिसमें आपको बहुत सारी बुक्स, प्रिंटेड मटेरियल मैंने अभी नाम बताए, बहुत सारे इंटरनेट सोशल मीडिया वेबसाइट्स बताएं, खुद आपने अपने से नोट्स तैयार किए हैं, अपने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से या सीनियर्स या सक्सेसफुल कैंडिडेट से आपने नोट्स लिए हैं, आपके पास बहुत कुछ बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टू मच एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड देयरफॉर आई कॉल इट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन टेररिज्म, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग, ओवरबर्डनिंग। तो ये जो हमारे ऊपर सूचनाओं का बोझ है, पढ़ने लिखने वाली सामग्री, इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे वेबसाइट्स हैं, एक कोई आप टर्मिनोलॉजी, एक कोई वर्ड, एक कोई सेंटेंस लिखते हैं, हजारों पेज खुल जाते हैं गूगल पे। इतनी सारी वेबसाइट्स में कहां कहां से जा करके हमारे सिविल सर्विसेज की एग्जाम की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है, कौन सी न्यूज़, कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, हमारे एग्ज़ाम की ज़रूरतों को पूरा करती है। यही सब हमारी एक टीम है जो हेल्प करती है आपके लिए। चूंकि हम लोग सिविल सर्विसेज के फील्ड में पिछले 25-30 सालों से काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स आईएएस, पीसीएस और पीसीएसजे में रहे हैं, और हमारे पास यही काम करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड टीम है, बड़े अनुभवी तजुर्बेकार, और केवल यही काम करने वाले लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सारे न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, स्टडी मटेरियल को सर्च करते हैं, तमाम जगहों का रिसोर्स मटेरियल ले आ करके एक एक फील्ड के एक्सपर्ट्स, कंटेंट डेवलपमेंट की टीम उसको व्यू करती है, एनालाइज करती, स्टडी करती है, और उस आधार पर हमारे सिविल सर्विसेज की ज़रूरत के लिए जो हमारी कंटेंट डेवलपमेंट टीम को इम्पॉर्टेंट लगता है उसको प्रिलिम्स और मेंस और दूसरे सेगमेंट्स में बांट करके करंट अफेयर्स की हम न्यूज़ मैगजीन बनाते हैं जो मंथली स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसके अलावा हम अपने खुद स्टडी मटेरियल के नोट्स तैयार करते हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को करंट अफेयर की मैगजीन के साथ पर मंथ और स्टडी मटेरियल का बुक लॉट कुरियर के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस मेल के ज़रिए या पार्सल के ज़रिए जो आपका पोस्टल एड्रेस है वहाँ पर भेजते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर्स की न्यूज़ मैगजीन है, हम प्रिलिम्स के लिए अलग से टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराते हैं जो पहले ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन भी हो रही हैं शुरू। इसके साथ ही हम आंसर राइटिंग और पर्सनल गाइडेंस इवेल्युएशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम QIP भी कराते हैं जो हमारे मेन एग्ज़ाम का हिस्सा है, जिसमें हम आंसर राइटिंग और इवेल्युएशन करते हैं कि आपका आंसर और लिखने का तरीका कैसे और बेहतर हो, कैसे आप और प्रोफेशनल और क्वालिटी आंसर लिखें। पहले ये सारे काम ऑफलाइन हो रहे थे, अब ऑनलाइन भी मैंने आपको बताया कि ऑडियो वीडियो टूल्स के ज़रिए हम लोग इसको कर रहे हैं। हमारा इसी पर्पस के लिए हमने अलग से अपना एक ऑनलाइन ऐप डेवलप किया है वेदाइसिस लखनऊ का, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये तमाम टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स न्यूज़ मैगजीन, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, प्रिलिम्स और मेंस, इनके लिए क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरह के टेस्ट, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स के लिए जीएस, प्री कम मेंस, जीएस मॉड्यूलर, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी स्टडी भी कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.vedicislakhnau पर विजिट करके ये सारा स्टडी मटेरियल, कंटेंट डेवलपमेंट, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, करंट अफेयर्स ऑफ द डे जो कि डेली पर डे हमारी कंटेंट डेवलपमेंट टीम स्टडी करके अपलोड करती है, हमारी आईटी टीम इसके लिए 24 घंटे काम करती है। आप सक्सेसफुल हो सकें इसके लिए हमारी एक टीम डेडिकेटेड 24/7 अलग अलग शिफ्ट में काम करके
आपको बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल, टीचिंग और गाइडेंस देने की कोशिश करती है। तो आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपना टाइम, अपना रिसोर्सेज बचा सकते हैं और केवल अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने राइटिंग प्रैक्टिस पर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फोकस करके, ध्यान दे करके ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक हेल्पिंग हैंड की तरह से, एक सहायता करने वाले विशिष्ट मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यही हमारा मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप है, यही हमारा आपका संबंध है जो हमारी सिविल सर्विसेज की कोचिंग और गाइडेंस के बाद भी हमेशा आजीवन बना रहता है और इसलिए इसको ऐसे पढ़ने की ज़रूरत है। और इस तरीके से आपकी तैयारी नोट्स के लिए, स्टडीज़ के लिए और फाइनली इंटरव्यू के लिए होगी। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हम लोग इंटरव्यू पर एक अलग से सेशन करेंगे, लेकिन आप जो तैयारी प्रीलिम्स मेंस कर रहे हैं ये दरअसल आपको धीरे धीरे इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करती रहती हैं। और जाने अनजाने जिस दिन से आपने होश संभाला, पढ़ाई लिखाई की, जो आपके अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, तजुर्बे हुए, वो भी आपके एक्सपीरियंसेस में, इंटरव्यू में, आपके सोच विचार में, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहते हैं। बस इंटरव्यू के ठीक पहले आप करंट अफेयर्स और कुछ अपने मौजूदा नेचर ऑफ जॉब प्रोफाइल, जहां आप काम कर रहे हैं, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल क्या क्या हो सकते हैं, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। So all my good wishes, best of luck, मेरी शुभकामनाएं।